विनी सर, एक चीज बताइए, आइडिया को लेकर आपका स्टेक क्या है? ये 13 रुपए पे अब आप देख रहे हैं, एकाएक हफ्ते भर में तीन तीन चार चार बार खबरें आ रही है, कभी फॉल ऑन की खबरें आ रही हैं, कभी इन्फ्यूजन की खबरें आ रही हैं, कल खबर आई कि कुछ स्पेक्ट्रम वगैरह भी लेना चाह रहे हैं आगे चल के, तो न्यूज फ्लो बढ़ गया इस 13 रुपए के आसपास। थोड़ा मैनेजमेंट का इंटेंशन लग रहा है कि हाँ, कि कुछ जस्टिफिकेशन करना चाहिए हमको प्राइसिंग और बिजनेस के हिसाब से। आपको 13 रुपए पे वोडाफोन आइडिया महंगा लगता है, सस्ता लगता है, या बिल्कुल ही बेकार लगता है? एक्चुअली मैं प्योरली इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। सी दे आर ऑलरेडी लेट इन द गेम। नंबर वन, ऑलरेडी मार्केट शेयर काफी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बिटवीन, कंसोलिडेट हो चुका है बिटवीन भारती एंड रिलायंस जियो। तो इसमें अभी आगे जाके ग्रोथ आने के लिए ये इनका ना प्योर कैचअप रहेगा विद दीज टू कंपनीज। दूसरा चीज क्या है कि इनके जो पेमेंट्स है और इनके जो कैश फ्लोज है अभी तक संयम में नहीं है, तो इनका डेट पे डाउन होना थोड़ा मुश्किल लगता है। अभी उनको स्पेक्ट्रम फीस भी भरने हैं, तो ये लॉन्ग ड्रॉन आउट रिकवरी प्रोसेस है। तो इसके हवाले मैं इसमें निवेश करने के फेवर में नहीं हूं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, खबरों का धीरे धीरे करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आ सकता है। कल दिन में ज़्यादातर समय ये हरे निशान में था, लेकिन खबर आने के बावजूद भी बाजार का प्रेशर इस पर भी पड़ा और ये भी शेयर 1.5% नीचे जाके बंद हुआ।